हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई स्टडी 3.0। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, मैं हमेशा इस चैनल पर GK जनरल अवेयरनेस और मंथली करंट अफेयर के वीडियोज़ भी अपलोड करता रहता हूँ, उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुँचे। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होगा, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सभी के सभी ध्यान से देखते रहिएगा। तो दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, याद रखना आपको लैक्टोमीटर का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर। ठीक है, बात करिए हम यहाँ पे हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर से जल का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। ठीक है, जल का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। बात करें यहाँ पे सिस्मोग्राफ की, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप का पता लगाया जाता है जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने से मापी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। बात करें यहाँ पे बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है। ठीक है, तो ये चारों की चारों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, कापर, जिंक और निकल का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कापर, जिंक और निकल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की किस घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो किस घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है, याद रखना है आपको, परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव के कारण। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तितली के आकार का ग्रंथि है, तो कौन एक तितली के आकार का ग्रंथि है, याद रखना है आपको, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता कहाँ पे है, याद रखना है आपको, गले में होता है, कंठ के नीचे। ठीक है, गले में होता है, कंठ के नीचे, ये थायराइड ग्रंथि। इसको अवटु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने सुना होगा, अवटु ग्रंथि यानी कि अवटु ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को अवटु ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है, तितली के आकार का होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, तो कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, जाइमेज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, जाइमेज परिवर्तित करता है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है उसे ऑल पे इनेबल कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुँचे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो याद रखना है आपको, प्लाज्मा की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है, प्लाज्मा की। लगभग 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है, 55 से 60% कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको याद रखनी है। एक मैं पूरा बता देता हूँ मैं आपको, ये रहा ब्लड, ब्लड के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें एक प्लाज्मा होता है और दूसरा होता है ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं। ठीक है, बात करें यहाँ पे इसका प्रतिशत, तो प्लाज्मा जो होता है 55 से 60% होता है और जो ब्लड सेल्स होते हैं 40 से 45%। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और ब्लड सेल्स के भी तीन भाग होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, जो कि यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, तो ये ब्लड सेल्स के पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 55 से 60 और ये होता है 40 से 45, अधिकतम मात्रा होती है प्लाज्मा की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पूछा जाता है कि प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। ठीक है, पानी। ठीक है, 90% प्लाज्मा में द्रव जल पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है, तो याद रखनी है आपको,
पॉलीएमाइड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीएमाइड एक बहुलक है यानी कि पॉलीमर है, इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, ठीक है। और बात करें मैं यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट की, तो पॉलीकार्बोनेट ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ कांच बनाने में, ठीक है, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है, गले को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक जीवाणु के कारण होता है, इस जीवाणु का क्या नाम है ध्यान से सुनिएगा, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिन, याद रखना है आपको, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिन नामक जीवाणु के कारण ये होता है, ये आपको याद रखना है डिप्थीरिया, और ये गले को प्रभावित करता है जिससे कि सांस लेने में परेशानी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, तो जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, याद रखना है आपको, अवतल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल में जो वायु का बुलबुला है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, डॉपलर प्रभाव के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है, सीसा में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अयस्क है गैलेना नामक, ठीक है, तो ये सीसा में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के गंध के समान होती है, तो किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध जैसा होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र होता है H2S, याद रखना है आपको, ठीक है। ये एक रंगहीन गैस है, तो इसका जो गंध होता है सड़े हुए अंडे की तरह होता है, ये एक रंगहीन गैस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चित संरचना का कानून किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो निश्चित संरचना का कानून किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पवन की गति के माप की इकाई को क्या कहा जाता है, तो पवन की गति के माप की इकाई को क्या कहा जाता है, नॉटिकल मील, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से याद रखिएगा। तो पवन की गति के माप की इकाई को क्या कहा जाता है, नॉटिकल मील, और पवन की गति को मापा कैसे जाता है, तो एनीमोमीटर से, यह आपको याद रखना है, एनीमोमीटर से मापा जाता है, और इसका इकाई क्या है यानी कि यूनिट क्या है, तो नॉटिकल मील, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है एक्स किरण, ध्वनि तरंग, पराश्रव्य तरंग और चुंबकीय तरंग। तो MRI जो मशीन होती है ये एक चिकित्सक मशीन है, तो निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। MRI का पूरा नाम क्या होगा, ये आपको जरूर से याद रखना है। MRI का फुल नेम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाज अथवा स्कैबीज नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो खाज अथवा स्कैबीज नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, याद रखना है आपको, सूक्ष्म कीट के कारण, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सूक्ष्म कीट जो होते हैं, यह खाज आपको पता चल रहा होगा, इससे खुजली होती है, ये जो बीमारी होती है त्वचा पे हल्का दाग पड़ जाता है फफोले टाइप का, और सूक्ष्म कीट के कारण ये होता है, ये आपको याद रखना है। और किस उस कीट का क्या नाम है जो सूक्ष्म कीट है, उसका आपको नाम याद रखना है, सर्कोपेट, आंसर सुनिएगा, सर्कोप्टेज स्कैबी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सर्कोप्टेज स्कैबी, ये उस कीट का नाम है, इसके कारण होता है, और जिससे कि खाज खुजली हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, तो बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, रतनजोत का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक वनस्पति है, रतनजोत नामक वनस्पति से बायोडीजल बनाया जाता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है, यानी कि प्यार का हार्मोन? तो लव हार्मोन किसे कहा जाता है, याद रखना है आपको ऑक्सीटोसिन को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक हार्मोन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य अपनी आँख को कितनी डिग्री तक देख सकता है? तो मनुष्य अपनी आँख को कितनी डिग्री तक देख सकता है, 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये रही हमारी आँख, यहाँ पे मैंने आँख बना दिया, यहाँ पे मैंने 180 डिग्री का यहाँ पे दे दिया। आँख जो हमारी देख सकती है ना 150 डिग्री, ठीक है, ये बताया गया है इस क्वेश्चन में। तो ये 150 डिग्री तक हमारी आँख देख सकती है और ये पूरा होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 150 डिग्री तक हमारी आँख देख सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शेर पूंछ मकाक किस प्रजाति से है? तो ये एक बंदर की प्रजाति है। तो शेर पूंछ मकाक किसकी प्रजाति है, ये एंडेमिक बंदर के प्रजाति का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 46%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 46%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला यूरेनियम खदान कौन सा है? तो भारत का पहला यूरेनियम खदान कौन सा है, जादूगोड़ा खान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से याद रखिएगा। भारत का पहला यूरेनियम खदान कौन सा है, जादूगोड़ा खान, और ये झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC को किस नाम से जाना जाता है, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ल्यूकोसाइट। यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कि ब्लड जो होता है वो दो पार्ट में होता है, पहला जो होता है प्लाज्मा और दूसरा जो होता है ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में तीन पार्ट होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो याद रखना है आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया WBC का यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, जबकि जो RBC होता है, RBC का जो उपनाम होता है, दूसरा नाम होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया एरिथ्रोसाइट। तो WBC को ल्यूकोसाइट और RBC को यानी कि रक्त जो रेड ब्लड सेल्स होती है, लाल रक्त कणिका है, उसको एरिथ्रोसाइट से नाम से जाना जाता है, और जो प्लेटलेट्स होती हैं थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, WBC को ल्यूकोसाइट, RBC को एरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे याद रखना है आपको, माइटोकांड्रिया जो दिया हुआ है इसे कोशिकाओं का बिजली घर कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है माइटोकांड्रिया को। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है, तो याद रखना है आपको, यूरिक एसिड के जमाव से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के सभी क्वेश्चंस पूरे हो गए। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बेहतर ढंग से याद हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में पूछा था, इसका आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आँख के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है? तो आँख के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है, वर्णांधता को, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रोग में व्यक्ति को रंगों की सही से पहचान नहीं होती है। जो लाल रंग होता है, लाल रंग हरा और हरा रंग लाल दिखाई देता है, तो ये वर्णांधता को दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बात करें हम यहाँ पे मायोपिया की, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात करें हम यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया की, तो हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को बोला जाता है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। टीबिया एवं फिबुला नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है मुँह में, टांग में,
भुजा में और खोपड़ी में? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों साथ साथ एक इस वीडियो को जरूर से एक लाइक तो करके ही जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुँचे। और इन सभी क्वेश्चन का जो भी PDF है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी वीडियोज और PDF एक साथ देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसे जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।